आज की वीडियो शुरू कर दी है और आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। और ये देखिए इमली है, अजीब सा लग रहा होगा, सूखी सूखी सी हो रही है, ठीक है। थोड़ी यूज़ करी थी हमने, आज हम थोड़ी और यूज़ करेंगे क्योंकि आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, जो कि हम जिसको इमली वाली चटनी बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो दही भल्ले और इन सब में यूज़ होती है। भिगो के गर्म पानी में भिगो कर रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसका पल्प निकालेंगे। मम्मी से पूछ लेती हूँ कितनी क्वांटिटी रखती है। सारी भिगो ले, सारी भिगो दूँ? चलो ये तो बस भी रखी हुई रहेगी, वैसे ख़राब नहीं होती। चलो तो मम्मी का कहना है कि सारी बना लें क्योंकि ये वैसे ख़राब नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक चल जाती है। अच्छे से कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दो, काफ़ी टाइम तक चलती है। तो मैं इधर पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। देखिए मैंने पहले इसको साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद अब मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी, गर्म पानी भी हो गया है। मैंने सोचा कि थोड़ी भीगी जाएगी, तो थोड़ी के हिसाब से मुझे बर्तन छोटा दिया था, अब मुझे लग रहा है कि बर्तन बड़ा लेना पड़ेगा। चलो बाद में जब हम मैश करेंगे तब हम बड़ा बर्तन ले लेंगे, अभी हम इसको भीग जाने देते हैं और ढक कर रख देते हैं कम से कम आधे पौन घंटे के लिए, फिर जब बनाएंगे आप लोग आगे की विधि देखिएगा। तो देखिए मैंने इस वाले बर्तन से इस वाले बर्तन में पलट दिया था क्योंकि मुझे मैश भी करना है, इसका पल्प निकालना है। मैंने पानी गर्म डाला था तो ये हो तो गई है, लेकिन मुझे अभी अच्छे से मैश करना है हाथ से, तब जाके ये होगा। थोड़ा अलग अलग हो जाएगा तो इसका पल्प फिर मैं इसको लेके छानूंगी अच्छे से, इसको जितने इसके अंदर के जो बीज हैं ये भी हट जाएंगे, इस हिसाब से हमें इसे मैश करना है। बस इसमें सबसे ज़्यादा इसका पल्प निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बनने में इतनी मेहनत नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं डालूँगी और अच्छे से मैश करूँगी इसको। बड़ी वाली आपके पास अगर ऐसी हो उसमें अच्छे से अगर आप छानेंगे ना तो अच्छे से पल्प निकलेगा, छोटी वगैरह जो चलनी होती है ना उसमें नहीं निकल पाता क्योंकि हाथ भी चलाना होता है। आप बड़े बड़े वाले चम्मच से भी कर रहे हो ना तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा है हाथ से करो अच्छे से वॉश करके। और अलग अलग इसको थोड़ा थोड़ा अगर लगे आपको कि आपका थोड़ा कम हो रहा है इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लो, बट अभी हमारी इमली बहुत है तो इसलिए मैं पहले इमली को ही ऐसे ऐसे मैश कर दूँगी, उसके बाद जो थोड़ा हुआ इसमें फिर उसमें पानी यूज़ करूँगी। अभी इतना हुआ है देखिए, तो देखिए फाइनली हो गई सारी इमली और ये रहा इसका जो कचरा निकला रखा है। देखिए इसमें क्योंकि पानी से कर करके करा है ना तो कम से कम ये आधा भगोना हो गया है। ये इसके बाद मैं थोड़ी सी सौंफ रोस्ट करूँगा और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, ये भी थोड़ा सा मैंने डाला है, इनको रोस्ट करके इसको पाउडर बना दूँगी। रोस्ट होने लगने के रोस्ट जब कैसे पता चलेगा कि हो गए हैं, आवाज़ आने लग जाती है कट 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 फूटने जैसी। मैं इसमें इसको अच्छे से पाउडर बना लूँगी थोड़ा सा करके अच्छे से, तो मैंने अभी कढ़ाई रख दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मैं हींग भी ऐड करूँगी, इसमें हींग भी ऐड कर दी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे, पर जितना गुड़ डाला है उसे थोड़ा ही कम यूज करेंगे चीनी, 3 स्पून ऐड करें। तो गुड़ को तो मैंने मिक्स कर लिया है इसमें ही, थोड़ा थोड़ा मैं फिर इमली का पल्प भी डालूंगी।
मिक्स करते ही रहना है, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एक करके मैं जैसे सॉल्ट हो गया ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ, ब्लैक सॉल्ट भी पड़ेगा। डालने को तो बहुत सारे मसाले हैं जो आप लोग डाल सकते हैं, मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला। चलाते ही रहना है कंटिन्यूसली। बाकी ये जो मैंने पाउडर बनाया था सौंफ और जीरे का वो भी डाल देती हूँ, काली मिर्च भी ऐड है इसमें। सारा नहीं डाला, थोड़ा ही डाला। इसमें तो मैं थोड़ी सी ना बेगी मिर्च MDH वाला चिली पाउडर वो भी मैं डाल रही हूँ, जिसको कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं। अब इसको कंटिन्यू पकने देंगे, यानी कि खूब अच्छे से, थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए जब तक कि फिक्की फिक्की, तब तक मिक्स करते रहेंगे। देखिए ऐसे गाढ़ा गाढ़ा उबाल, मतलब उबाल जैसे आ रहा है ना, ऐसी गाढ़ी होती चली जाएगी हमारी इसको, यानी कि इमली की चटनी प्रॉपरली। तो ऐसे उबाल आने देते हैं और ऐसे मिक्स करते रहना। मैंने थोड़ा सा भी टेस्ट करके देखा, टेस्ट तो बिल्कुल सही है। इसमें अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ और भी ऐड कर दूँ। मैं इसमें ना कुछ काजू और जो भी हमारे लेमन सीड्स होते हैं और सनफ्लावर सीड भी हैं एक आध, वो सारे इसमें डाल देती हूँ, लागत वाली चटनी बन जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा वो आ रहा है ना चटनी का, अब थोड़ा ऐसे बस गाढ़ा होने देते हैं, जितना अच्छे से गाढ़ी होगी ना उतनी ही अच्छी होगी, अच्छे से उबाल अच्छे से पक जाएगी ना। अभी थोड़ी सी काफी पतली है, इतनी पतली अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाने देते हैं। तो देखिए अभी अच्छे से उबाल आ रहा है और ये इधर मैंने इनसे बोला टेस्ट करो, वैसे मैंने टेस्ट करी थी, ठीक थी, मम्मी ने भी करी थी। जी बेहतरीन लागत वाली चटनी है तो भाई लोगों आज इन्होंने बना दी लागत वाली चटनी। खा लो ना सारे को। मम्मी लग रही ना वाली चटनी थोड़ी। ये कहाँ से डाल दी? ये मैं मेरे पास रखे थे थोड़े से, वो जो पाउडर बनाया था ना, तो मैंने केला डालते हैं क्या? नहीं नहीं वो तो रखी नहीं, वो पता है इसमें रखी नहीं, वो जैसे चाट वाट बनाओ तब ऊपर से डाल दो, ऊपर से डाल दो, हाँ खराब हो जाएगी फिर। अभी थोड़ा गाढ़ापन आने लग गया, ऐसे अच्छी लग रही। शादी में बाकी का इमली का जो पल्प था ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, उसमें मैं यूज़ करूँगी जो मैं आप लोगों ने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग्स में कि मैं कोकोनट की चटनी या हरी पुदीना और इन सब की चटनी, उसमें भी हम इमली ऐड कर सकते हैं, थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है ग्रीन चटनी और वाइट कोकोनट चटनी, तो उसमें भी इमली का पल्प यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैंने चटनी वाला भी बना रखा है। इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब थोड़ा हो गया है, क्योंकि जैसे ठंडी होगी तो थोड़ा थिक आ जाएगा, तो मैं इसमें निकाल के रखती हूँ। तो देखिए फाइनली हमारी बन गई इमली, खट्टी मीठी इमली की चटनी। खट्टी मीठी नहीं, लागत वाली चटनी। इसका नाम है लागत वाली चटनी। लागत वाली लागत चटनी लगती है ना इसमें बहुत ज्यादा। चलो देखते हैं फिर।
और देखिए आप लोग मुझे कमेंट करके बस जरूर बताना कि कैसी लग रही है देखने में। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? और कुछ कमी रह गई हो इसके अंदर तो बता देना, तो बता देना कि और क्या क्या एक्स्ट्रा हम इसके अंदर डाल सकते हैं और कम से कम में कैसे बन सकती है और ज्यादा से ज्यादा में, तो सब आप लोग भी बताओ ना कमेंट। ओ भाई साहब अभी ये गाड़ी होती चली जाएगी थोड़ी देर और क्या।